Hello friends, hello, here I welcome you again for this live session, and sorry for being late for 15 minutes because I was interacting with one of the very important patient and I didn't want to leave it in between. Usually I manage time anyhow to be sharp on 9, and therefore I have given a message that I will be there at 9:15, right? So this Facebook Live is a different one, because we are going to discuss a practical case where we have already made a live video on what we have done. Okay, sorry, I was again going with the flow of English. Let me go back to Hindi. कल हम एक live गए थे जिसमें हमने एक patient के साथ आपकी live बात कराई थी. कितने लोगों ने कल का live देखा है? So, जिसने भी लाइव देखा है, आपने उस पेशेंट से देखा होगा, पेशेंट के बात करने का तरीका, पेशेंट के बात करने का स्टाइल, और उसने क्या अचीव किया, राइट? Rather than calling a patient, I will love to call him a fighter. लेकिन मैं पहले फाइटर बोलता था, आपको समझ में नहीं आता, because ये वो लोग होते हैं जो अपने डिसीज से फाइट करने के गट्स रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, बाकी लोग तो जनरली उसे एक्सेप्ट करते हैं, राइट? तो कल ही मैंने उनसे मिलाया आपको, और उन्होंने आपको नंबर भी दिया कि चलो मेरा नंबर ले लो, कुछ हो तो मुझे पूछ लेना. सो सी द वे ही वाज इंटरेक्टिंग, मतलब उन्होंने प्रूव किया कि वो कुछ डिफरेंट है, वो कुछ हटके है, राइट? तो जिन्होंने शायद नहीं लाइव थे कल, जिनको नहीं पता, तो मैं उनको बता दूं, वो पेशेंट है जिनको हमने जब लिस्ट ऑफ डिसीज बनाई, एक हाँ क्या और क्या है तकलीफ, ये है और क्या है, ये है और क्या है, और क्या है, जब ऐसा करते गए तो लिस्ट बनी 15 बीमारियों की, 15 डिसीजेस, 15 हेल्थ इश्यूज, 15 प्रॉब्लम्स. जब उनकी प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट देखी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 मेडिसिन. तो ये पेशेंट हमारे पास आया था, 15 प्रॉब्लम्स, 13 मेडिसिन. लकी था वो कि 15 प्रॉब्लम की 17 मेडिसिन भी हो सकती थी, बट ही वाज लकी, सिर्फ 13 मेडिसिन थे डेली. एंड उनका स्टेट क्या था, ही वाज फ्रस्ट्रेटेड. रिजल्ट क्या था, नो रिजल्ट. इनका बेसिक प्रॉब्लम शुरू हुआ था एसिडिटी से, फिर हुआ लूज मोशंस, फिर हुआ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसके बाद पेट दर्द. आईबीएस पता होगा शायद, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बहुत कॉमन डिसीज है आज का, राइट? सो जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इट इज अ वेरी कॉमन डिसीजेस एंड इज डिजीज, और ये रिलेट होता है माइंड से. माइंड का कनेक्शन होता है गट से, राइट? तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, देन साथ में एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर, और भी शायद एक दो कुछ, हाँ मेरे ख्याल से सम स्लीप प्रॉब्लम्स. तो ये सारे प्रॉब्लम की 13 गोलियां ले रहे थे वो, और वो करीबन ले रहे थे कई साल से, परेशान हो गए थे, कोलोनोस्कोपी कर चुके थे 3-4 बार. कल के लाइव में है उनका खुद का जो स्टेटमेंट है, वो ऑलरेडी कल के लाइव में है, तो मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा आपको. ऐसे समय पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड है वो, फ्रस्ट्रेटेड है. उन्होंने मेरा सेमिनार किया, और मेरा सेमिनार करने के बाद उन्हें लगा कि ये एक मौका है मेरे पास बीमारी को रिवर्स करने का. तो उन्होंने मेरा सेकंड सेमिनार किया, फिर थर्ड भी सेमिनार किया, और साथ में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया. ट्रीटमेंट जब उन्होंने स्टार्ट किया, पूरे फेथ से स्टार्ट किया. बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कुछ लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं डाउट से. देखिए तो डॉक्टर को कितना आता है, राइट? देखते हैं जो मेडिसिन में दम है क्या. और कुछ लोग ट्रस्ट से शुरू करते हैं कि नहीं, ये मेडिसिन मेरी लाइफ चेंज करेगी. अगर इस डॉक्टर को 25 साल का अनुभव है और ये कह रहे हैं कि ये मेडिसिन काम करेगा, लेट मी ट्रस्ट हिम. ट्रस्ट से आपका हीलिंग जल्दी होता है, डाउट से उतना लेट होता है. तो उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, ज्वाइन किया, और एक हफ्ते के अंदर, टू बी वेरी एग्जैक्ट, 6 दिन के बाद, जब वो 7वें दिन मिले मेरे सेमिनार में, उन्होंने मुझे कहा, सर मैं 10 मेडिसिन बंद कर चुका हूं. 13 में से 10 मेडिसिन 7वें दिन बंद हो चुकी थी. फिर वो मुझे सेमिनार में मिले 7वें दिन. फिर नेक्स्ट डे, मतलब कल जब लाइव गए थे हम, तब वो क्लिनिक में आए थे 7 दिन के बाद, 8वें दिन. मैं चाहूंगा कि शायद वो होंगे अभी, उन्होंने लाइव होना चाहिए. आइडियली जब इतनी तारीफ हो रही उनकी, तो उन्होंने लाइव होना चाहिए, राइट?
बिकॉज इज अमेजिंग पर्सन. सातवें दिन 10 गोली कम कर दिए थे, जब कल आए आठवें दिन ऑलरेडी उन्होंने 11.5 गोलियां कम कर चुके थे. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, उनका ब्लड प्रेशर नियरली ठीक हो चुका. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई ये गोली खा रहा है, वो गोली खा के ब्लड प्रेशर 140 के 90 है हमेशा, आज वो गोली कम करने के बाद उनका बीपी 110/70 है. इज इट पॉसिबल? मैं लाइव केस की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल पेशेंट की बात कर रहा हूँ. जिसका आप डिटेल देखना चाहे तो कल के इसमें दे सकते हैं. सो मैंने तो कहा कि अगर कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला आ जाता है तो 11, 11.5 मेडिसिन 7 दिन में कम करने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज होना चाहिए, राइट? बिकॉज ये कॉन्फिडेंस उनको कहां से आया जो उन्होंने किया? बस ये कॉन्फिडेंस उनको कहां से आया? व्हाई? हाउ वी कुड डू दिस? बिकॉज आप या कोई भी नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है. कितने लोग अगर 3 मेडिसिन है तो उसमें से आधी गोली कम करने की हिम्मत नहीं कर सकते. मैं किसी को कम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सही इलाज कीजिए. बॉडी खुद बताएगी अभी मुझे जरूरत नहीं है, गोलियां कम कर दीजिए, उस पर कम कीजिए. लेकिन हिम्मत तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए. जब मैंने एक बार जब पेशेंट की कल लाइव में था, जब तारीफ की कि बोला कि ये आपका ट्रस्ट और फेथ का रिजल्ट है कि यू हैव गॉट एन अमेजिंग रिजल्ट. बिकॉज आपका फेथ आपके बॉडी में हीलिंग को फास्ट करता है, फास्ट प्रोसेस करता है. सो उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट करके एक हफ्ते के अंदर 11.5 मेडिसिन कम कर दी. तो लाइव के बाद मैंने एनालाइज किया, मैंने कहा ये आपका क्रेडिट है. उन्होंने कहा सर नहीं, मेरा क्रेडिट नहीं है, ये आपका क्रेडिट है. बोला नहीं, मेडिसिन मैं सभी को पूरे दिल से देता हूँ. मेडिसिन तो मैं हर पेशेंट के लिए दिल से देता हूँ, राइट? अगर मैं हर पेशेंट को दिल से मेडिसिन देता हूँ, कुछ को बहुत फास्ट आता है, कुछ को नहीं आता रिजल्ट. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज आपके अंदर का सिस्टम मुझे और मेरी मेडिसिन को सपोर्ट कर रहा है नहीं, आई डोंट नो. तो फिर मैंने जब बोला तो उनका सर एक्चुअली बताओ, आपको आपके यहाँ एक डॉक्टर है. वो डॉक्टर से जब मैंने पहली बात की, जैसे हमारे यहाँ सिस्टम है जब भी कोई पेशेंट नया आता है, सो ही हैव टू मीट वन ऑफ माय चीफ कंसल्टेंट्स. सो ही मेट डॉक्टर जोसना. बोले ये मैडम ने मुझे जब कल उस दिन समझाया, 8 दिन पहले जब ट्रीटमेंट लेने आया मैं, इन्होंने जितने दिल से समझाया, एक ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा हित चिंतक मेरे से बात कर रहा है. उसी समय मुझे लग गया था कि मैं यहाँ ठीक हो सकता हूँ. सच इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, सच इज द पावर ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ लव एंड कंप्लीट कमिटमेंट. तो ये डॉक्टर जोसना से मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ, बिकॉज बहुत बड़ा हाथ है उनका. मतलब शी हैज इनिशिएटेड द क्यूर बिफोर इवन मेडिसिन वॉज स्टार्टेड, राइट? तो उन्होंने कहा कि जब मुझे ये मैडम से मैंने बात किया तो मैडम ने इतने दिल से मुझे समझाया, ऐसा लग रहा था कि ये मैडम चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, और इसलिए मैंने ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट किया. और वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, फेथ ऑलरेडी था, देन अप्रोच अच्छा था आपकी टीम का. फिर केस करने के बाद जब 3-4-5 घंटा लगा तो मुझे लगा यार 4-5 घंटा आज तक मेरे लिए किसी डॉक्टर ने निकाला नहीं है, यहाँ जरूर कुछ होगा मेरा. इस फेथ से उन्होंने स्टार्ट किया एंड रिजल्ट इज ऑब्वियस. 11, 11.5 गोलियां 7 दिन में कम हो चुकी है. उनकी बीपी की गोली शायद 2 गोली थी ना उनको, 3 गोलियां थी, 2 बंद हो चुकी है, 1 गोली बची है. वो बहुत ही जल्दी क्योर होने वाला है पेशेंट. मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम गॉन, कंप्लीट गॉन की बात कर रहा हूँ मैं. क्योर की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्योर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर उनका क्योर हो जाएगा, डिप्रेशन क्योर हो जाएगा. उन्हें साइकेट्रिस्ट को भेजा गया था फॉर टेकिंग सम डिप्रेशन मेडिसिन, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन. सो इतनी सारी मेडिसिन अगर वो लेते रहते हैं तो आप कितने लोगों को लगता है कि वो ठीक हो जाते? आप में से काफी 1, 2, 3, 4, 10 मेडिसिन ले रहे होंगे, कितने लोग एक्चुअली ठीक हो रहे हैं? नहीं हो रहे. सब मेडिसिन खा रहे, मेडिसिन खा रहे और मेडिसिन खा रहे, और ये सब मेडिसिन जब साइड इफेक्ट पैदा करती है उसकी एक और मेडिसिन ऐड होती है, फिर ये सब मिलके एक और मेडिसिन ऐड करते हैं, एक बीमारी ऐड करते हैं. ये आपकी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये हेल्थ केयर नहीं, सही हेल्थ केयर मिले. बट आप फिर से अभी अब फेवरेट सबका सेंटेंस है, फिर ये डॉक्टर्स की जिम्मेदारी, डॉक्टर्स ने करना चाहिए. डॉक्टर्स अपना काम ऑलरेडी बराबर कर रहे हैं. सी
allopathic system is a system which is best for control. Best. They are doing it best possible. But आपको control चाहिए कि cure चाहिए आप decide कीजिए. आपको control चाहिए, you are doing right thing. अगर आपको cure चाहिए, then आपको दूसरा कुछ करना पड़ेगा जो आपने अब तक किया नहीं. Right? Let me first talk with all. Dr. Josna Rao, yeah, you are here with me. Akash Magade, welcome Akash. Mahesh Popule joined. Good evening, Mahesh. Tejaswini, good evening. Vinu, hello. Shobha Foman, hello. Shweta Bansur, good evening, Shweta. Mr. Viral, welcome, Mr. Viral. Jai Singh Ji, namaskar. Dr. Aminul Hassan. So, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा आखिर तक देखें बिकॉज आपको बहुत कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. जिसको भी लगता है कि सिर्फ मेडिसिन देना अपना फर्ज है, मैं नहीं मानता कि वो मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर की श्रेणी में आएंगे. बिकॉज मेडिसिन देने के अलावा बहुत सारे काम होते हैं. मेडिसिन देने के अलावा पेशेंट को अच्छे से डील करना, उनको बड़े प्यार से डील करना, उनको दिल से समझाना. इसलिए मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ डॉक्टर ज्योत्सना से. डॉक्टर ज्योत्सना इज वन ऑफ माय टीममेट. शी इज द चीफ कंसल्टेंट एंड पीपल आर वेरी हैप्पी विथ हर अप्रोच बिकॉज वो कंप्लीटली दिल से अप्रोच करती है. राइट? सो आर यू रेडी टू मीट डॉक्टर ज्योत्सना? बिकॉज आप मेरा अकेले का चेहरा हमेशा देख देख के शायद ऐसा लगता होगा कि सर अकेले ही बात करते हैं. राइट? तो अभी हम मिलेंगे डॉक्टर ज्योत्सना से. डॉक्टर ज्योत्सना, कैन यू प्लीज बी हियर? तो ये है पावरफुल टीम का पावर. बिकॉज आई एम वेरी लकी कि मेरे पास, मैं बोलता हूँ हमेशा ओपनली बोलता हूँ सेमिनार में भी कि मेरे पास वर्ल्ड की ऑलमोस्ट द बेस्ट टीम है. मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इसके बारे में बिकॉज ये लोग बहुत इजीली सकम नहीं करते. मतलब किसी पेशेंट ने बहुत प्रेशर डाल दिया और इन्होंने गलत इलाज कर दिया, ऐसे नहीं होता. होता है ऐसा काफी बार. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी का ट्रीटमेंट करना है, एकदम राइट ट्रीटमेंट करना है, लेकिन पेशेंट बोल रहा है सर आपका राइट ट्रीटमेंट बाजू में रख दो, मेरे पूरे खुजली कम करके दो. दे विल नॉट फॉलो यू, दे विल फॉलो द सिस्टम, दे विल फॉलो द एथिक्स, दे विल फॉलो द राइट हेल्थ केयर, दे विल फॉलो वॉट यू नीड द मोस्ट, दे विल फॉलो वॉट यू नीड द बेस्ट, दे विल फॉलो वॉट इज बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. वो आपके बोलने से इलाज नहीं करेंगे, वो खुद की एक्सपर्टीज से इलाज करेंगे, सिस्टम से इलाज करेंगे. इसलिए ये अलग लोग है. राइट? जनरली आपको मिलेंगे, नहीं सर आप एक काम करो पहले खुजली कर दो. ओके चलो खुजली कर ले दो. नहीं सर 20 बार एसिड दे दो. ओके एसिड की दवा ले दो. अब मुझे बताइए अगर ऐसे होते रहा कि खुजली की दवा आज, कल एसिडिटी की, परसों सरदर्द की, आप ठीक कैसे होंगे? क्योंकि इसमें इच्छा तो आपकी चल रही है, प्लान तो आपका काम कर रहा है, जो डॉक्टर आपके सामने बैठे उनकी एक्सपर्टीज तो काम ही नहीं कर रही है. तो अगर उनकी एक्सपर्टीज काम नहीं कर रही है तो फिर आपको रिजल्ट क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलना चाहिए? तो मेरे पास वो डॉक्टर्स है जो आप कुछ भी बोलेंगे उसके बाद भी उनकी कोशिश यही रहेगी आपको सही इलाज मिले बिकॉज आपको तो पता नहीं सिस्टम क्या है. राइट? सो हियर इज डॉक्टर ज्योत्सना हु वर्क्स फ्रॉम द हार्ट एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हर. मैंने डिसाइड किया उनको लाइव लेने का जब पेशेंट ने बोला कि ये मैडम ने मुझे ठीक किया. एंड आई एम कम्प्लीटली ओपन. मैं ये बोलता हूँ कि वो पेशेंट का पूरा क्रेडिट डॉक्टर ज्योत्सना को जाना चाहिए और बाकी क्रेडिट पेशेंट को जाना चाहिए. राइट? सो बी रेडी टू मीट डॉक्टर ज्योत्सना हियर. डॉक्टर ज्योत्सना वेलकम. हाय. लेट्स से हाय एवरीबॉडी. कम ऑन. हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग. हमारे सर का बड़प्पन है कि वो मुझे क्रेडिट नहीं दे. एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है. मैं जो भी मैंने हमारे पेशेंट से बात की वो दिल से तो की, लेकिन मैंने वो बात की जो मैंने हमारे सर से एक्चुअली सीखी हूँ. क्योंकि एक दिन ऐसा था कि जब मैं खुद पेशेंट बन के सर के पास आई थी 3 years बैक अराउंड, तो मैं खुद फील करती हूँ अगर मुझे सर नहीं मिली होती तो शायद मैं भी एक साइकेट्रिक पेशेंट होती थी. मे बी इतनी डिप्रेस और हमेशा रोती रहती थी. अस्थमा था बेसिकली, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम था. इवन मैं 3 years बैक सर के एडमिट भी हुई थी. मुझे बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर था विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था. और मैं बचपन से 3 years बैक तक एवरी ईयर 3 to 4 years एडमिट होती थी हमेशा. और 15 days के लिए एडमिट होती थी, हायर एंटीबायोटिक चलती थी और उसके बाद 1 month अराउंड मुझे
वीकनेस रहता था, रिकवर होने टाइम लगता था। हाँ, रिकवर होने में भी टाइम लगता था, 1 to 2 months, मतलब घर वाले भी परेशान और मुझे खुद को भी लगता था मैं हमेशा ही ऐसी वीक रहूंगी। मुझे सर मिले और मैं उनकी, मतलब उनके पास पहले मैंने मेरे पापा को ट्रीटमेंट के लिए लाया, वो भी बहुत रेस्टलेस पेशेंट थे, उन्होंने भी उनको भी मतलब डॉक्टर ने साइकेट्रिक ट्रीटमेंट बताई थी, किडनी फेलियर था उनको, प्रोस्टेटोमेगली, हर्निया था, हाइपरटेंशन, ऐसी मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे। मतलब अगर मैं खुद होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं होती तो शायद मेरे पापा को भी 4 to 5 डॉक्टर्स की 15 to 20 मेडिसिन शुरू रहती थी अभी, प्लस डायलिसिस। लेकिन अभी शायद 7 to 8 ईयर्स हो चुके हैं, मेरे पापा किडनी के पेशेंट है, लेकिन विदाउट कोई डायलिसिस नहीं, कुछ नहीं, 1.8 to 2 तक उनका क्रिएटिन जो है मेंटेन रहता है और वो काफी अच्छे है। जिस दिन मैंने सर के पास आई थी, एक्चुअली उस दिन मुझे एलोपैथ ने साइकेट्रिक के पास भेजने के लिए बोला था मेरे पापा को, लेकिन मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मैंने बस एक सर का एक सेमिनार अटेंड किया था, तो बस वही से इंस्पायर हुई थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था एक्चुअली कैसे डॉक्टर है, उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट कैसे है, सही में ठीक कर पाएंगे कि नहीं, कुछ नहीं पता था। लेकिन चलो, एक दिल ने कहा कि साइकेट्रिक से तो बेटर ही होंगी, इसलिए मैंने सर के पास लाई और विद इन 1 day ही मेरे पापा को आराम मिला। उनको इतना रेस्टलेस थे कि वो यहाँ आने से पहले 3 फ्लोर्स उन लोग कंटिन्यू ऊपर नीचे हो रहे थे, 5 मिनट भी, 1 मिनट मतलब एक जगह पे नहीं बैठ सकते थे। लेकिन जैसे उन्होंने सर को देखा, पहले तो बैठ गए, उन्होंने बताया उनकी कंप्लेंट्स, फिर 2nd day हम लोग ने केस स्टडी ली और केस स्टडी के तुरंत बाद, मतलब 1 day बाद ही हमको रिजल्ट मिलने लगे। और अभी मेरे पापा बहुत अच्छे, मतलब कोई साइकेट्रिक ट्रीटमेंट तो नहीं लेने की जरूरत पड़ी, एंटी हाइपरटेंसिव ओनली देते हैं, वो भी कंट्रोल में रहता है। और मतलब सीआरएफ के लिए भी हम लोग कोई नेफ्रोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट नहीं लेते। अच्छा डॉक्टर जोशी, एक मिनट, सॉरी टू इंटरफेयर, मतलब ये भावना ऐसे बह रही है बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो तुमने खुद के एक्सपीरियंस से देखा वो पूरा का पूरा पेशेंट को देने की कोशिश कर रही है। दिस इज समथिंग वेरी गुड अबाउट यू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स विल नॉट ट्रीट फ्रॉम द हार्ट, और तुम्हारा वो अप्रोच है। तो सबको बताइए कि जब पहली बार उस पेशेंट को देखा, वही पेशेंट जब आया था, तो उसकी मेंटल स्टेट क्या थी, वो कितना, मतलब उसकी फाइल्स थी अपने पास, कोलोनोस्कोपिस करके आया था, तो कैन यू डिस्क्राइब हिज मेंटल स्टेट, वो जब आया था, हिंदी में बोलिए किस तरह के पोजीशन में वो आया था। एक्चुअली पेशेंट से जब मैं मिली, उसकी केस स्टडी हमारी डॉक्टर विनू है, उन्होंने ऑलरेडी ले चुकी थी, वो मेडिसिन लेके गए थे। उसके 3 to 4 days बैक 2 seminar अटेंड करने के बाद वो मुझसे मिले, और हमारी ओपीडी बहुत बिजी थी, उनको टाइम देना भी मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन वो इतने एंशियस थे कि मुझे उनको आधा घंटा लेके बैठना पड़ा। और जब हम लोग ने उनकी केस स्टडी की थी तो हमको पता था कि उनको एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, एंग्जायटी डिप्रेशन डायग्नोसिस भी था शायद ना, मेडिसिन भी ले रहे थे। उनको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने ऑलरेडी साइकेट्रिक के पास भेजा था, मतलब उनको एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, जो भी था उनका मन से था। तो मैंने सबसे पहले तो उनको ये बताया कि आप तो पहले, आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई भी डिसीज नहीं है, आप एकदम हेल्दी पर्सन हो, जो भी है आपके मन के सोच की वजह से है। तो इतना खुश हो गए वो, मैडम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम हेल्दी हूँ। मैं बोली हाँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है बस आप दिल से हो। तो मैं बोली जिस दिन आपको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने साइकेट्रिक के पास भेजा, इसका मतलब था कि एक्चुअली उनके पास आपके लिए ना कुछ, मतलब कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, आप पूरी तरह से नॉर्मल हो, इसलिए उन्होंने मेंटल सपोर्ट के लिए साइकेट्रिस्ट के पास भेजा। तो वो भी अपनी जगह जरूर, मतलब बराबर है, क्योंकि उनके पास और कोई मेडिसिन है ही नहीं, तो वो तो नेचुरली लेंगे। तो वैसे उनका डायग्नोसिस था इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वैसे भी माइंड से रिलेटेड होता ही है, राइट? ओके, फिर उसके बाद मैंने तो सबसे पहले तो ये खुश हो गई कि उनको कोई डिसीज नहीं है। फिर बोले मैडम मुझे ऐसा क्यों होता है, यहाँ पेन, ये मैं परेशान हो गया हूँ, कोई काम में मन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, क्या करूँ मैं, खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। तो फिर हमारे सर जो सेमिनार्स में एक्चुअली बताते हैं कि जो भी है, मतलब अपना जो शरीर हो एक्चुअली पेड़ है, और जो भी अपन को सिम्टम्स या डिसीजेस दिखते, जो डायग्नोसिस करते हैं वो फ्रूट्स है, उनका जो रूट है वो कहीं ना कहीं जीन्स में होता है ना, तो अगर हमको ट्रीट करना है तो वो रूट से ही ट्रीट करना है। तो पेशेंट की स्टडी तो वैसे भी हो चुकी थी, तो मैंने कहा आपको जो भी अभी तक जो डायग्नोसिस हुई है, सिम्टम्स है, वो सारे फ्रूट्स है, और आपने तो सेमिनार अटेंड किया है कि फ्रूट्स होने से वैसे भी हमको ठीक नहीं होने वाला, जब तक हम लोग रूट को नहीं काटेंगे या रूट से आपके पेड़ को नहीं काटेंगे, वो पेड़ मतलब टूट के नहीं गिरने वाला, तो हम लोग ने तो ऑलरेडी शुरू किया है, तो आपको ये सब सिम्टम्स की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है।
और वैसे भी तो आपकी आप जो भी ट्रीटमेंट लेते थे, मान लो साइकेटिक्स या जो भी लेते थे, उसका 6 to 8 hours ही एक्शन रहती है ना, उसके बाद तो वापस वैसे की वैसे हो जाते, तो इसमें फायदा क्या हुआ? मतलब इतने साल से आपको एक्चुअली कोई ट्रीटमेंट ही नहीं मिली, आप मतलब बस ले रहे थे, उसमें कोई फायदा कुछ भी नहीं था, ऐसा था। तो मैं बोली आपकी एक्चुअल ट्रीटमेंट अभी शुरू हो गई एक्चुअली, लेकिन हमारे सर जैसे हमेशा बताते कि पेशेंट को ठीक होने के लिए ओनली हम लोग सफिशियंट नहीं है, पेशेंट का भी उतना ही रोल होता है। तो मैं बोली हम आपको ठीक कर सकते 101%, लेकिन अगर आप 50% आप सपोर्ट करो और 50% हम सपोर्ट करो तब जाके हो सकता है। तो बोले मैडम मैं तो 100% अपनी तरफ से दे सकता हूँ। बोले गुड, फिर तो आप हो गया अभी कि अभी ठीक, मैंने उनसे ये कहा। तो मैं बोली एक तो पहले से मतलब आज से ये बोलना शुरू कर दो कि आप पूरी तरह से ठीक हो, आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं है, और जो भी आप मेडिसिन दे रहे हैं बस आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए ले रहे हैं और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और आपकी जो जेनेटिक स्टडी हो चुकी है उसकी एक्चुअली आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी है। तो आपको बस अभी पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है और खुश रहना है, और जो हम लोग मेडिसिन देनी है उस पे और हम पे विश्वास रखना है, तो आप ऐसे ठीक हो जाओगे। और उसके 2 दिन बाद पेशेंट मेरे पास आया तो इतना फ्रेश था, मतलब पहली मतलब 8-10 दिन बाद मैंने पहली बार उनके चेहरे पे स्माइल देखी, और आठवां दिन था और बहुत कॉन्फिडेंट थे। और जैसे सर ने बताया 13 मेडिसिन में से 10 मेडिसिन तो उन्होंने ऑलरेडी बंद कर दी थी, ओनली एक 1 मेडिसिन शुरू थी कल लियो सल्फ्राइड का। तो हाँ मैंने उनको नेट में सर्च करके वो दिखा, वो एक्चुअली गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट दे रहे थे उनको, उनको लग रहा था इससे मेरा पेट ठीक हो रहा, तो मैंने उनको दिखा कि ये एक्चुअली एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, मतलब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट आपको एंटीसाइकोटिक नहीं है, उनके पास तो कुछ नहीं है इसलिए वो दे रहे हैं। तो बोले हाउ क्या मैडम ऐसी बात है? तो बोले मैं अभी ये भी मेडिसिन बंद कर दूंगा, तो उन्होंने वो भी मेडिसिन बंद कर दी, और उनका ब्लड प्रेशर भी 100/70 था, 2 मेडिसिन तो ऑलरेडी बंद कर दी थी, जो एक थी वो भी हम लोग ने हाफ कर दी। और वो कोई एक आधी मेडिसिन ले रहे थे, मुझे नाम याद नहीं था, मैं बताया नहीं इनको कौन सी मेडिसिन हाफ की थी उन्होंने, टेलमा हाफ की है, वही अभी बीपी की चल रही है, राइट, ग्रेट। सो सी द पावर ऑफ रीअश्योरेंस एंड पावर ऑफ हैविंग अ गुड डॉक्टर। तो हमें जनरली लगता है कि मेडिसिन हमें ठीक करता है, सिर्फ मेडिसिन नहीं तो फिर 1, 2, 3, 4, 12, 13 मेडिसिन हो चुकी थी, ठीक तो नहीं हो रहे थे वो। बट द पावर ऑफ गुड कम्युनिकेशन बाय डॉक्टर एक चीज, एंड द पावर ऑफ जेनेटिक मेडिसिन कंबाइंड, एंड पेशेंट इतना ड्रामेटिक रिजल्ट आया। डॉक्टर जोशना कैसे लगा जब ये पेशेंट का रिजल्ट देख के, कैसा फील कैसे हुआ एज अ डॉक्टर बनने का, कैसे खुश हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब अगर मानो ऐसी अच्छी ट्रीटमेंट उनको नहीं मिलती थी जेनेटिक माइंड बेस वाली मेडिसिन, तो वो एक साल बाद ऐसा होते थे कि शायद डिप्रेशन में बस घर पे सोए रहते थे एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेशन और सीडेटिव टैबलेट्स लेके, और ये सोचते थे कि मैं बहुत ही बेकार आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता था, ऐसा सोचने लगे थे वो। लेकिन कल जब आए तो उन्होंने बताया कि वो अल्कोहल रिहैबिलिटेशन के एक मेंबर है, बड़े मेंबर है, अल्कोहलिक एनोनिमस में एक बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं वो, बट ही वाज नॉट एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ, तो उनको गिल्टी फील हो रहा था। मींस एक्चुअली ही वाज सो स्ट्रांग पर्सनालिटी, बट ये सब मेंटल प्रॉब्लम्स के कारण वो इतना ये हो गए थे, मतलब फेलियर फील करने लगे थे। और कल हमने देखा उनमें इतना कॉन्फिडेंस था, इतने फ्रेश थे वो, कि मैं जितनी खुश हूँ उससे डबल ज्यादा वो खुश थे कि मैं कितना मतलब नसीब वाला हूँ कि मुझे इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिली। और मैं एक साल बाद में बोली आप पूरे इंडिपेंडेंट हो जाओगी, मतलब ऐसा लगता है कि आपको हम पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं रहना चाहिए, बिकॉज अगर हम क्योर कर रहे हैं तो व्हाई शुड पेशेंट बी डिपेंडेंट ऑन अस। पेशेंट कम्प्लीटली बीमारी से बाहर होना चाहिए, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, और ऐसा जरूर होगा, पेशेंट की सारी मेडिसिन बंद होने वाली है, उनका ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम पूरा का पूरा खत्म होने वाला है। कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरा मेडिसिन लेके तो ठीक रहेंगे, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो मेरी मेडिसिन बंद करेंगे और कम्प्लीटली क्योर रहेंगे। एंड नाउ ही हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन अवर कैंपेन, उन्होंने डिसाइड किया कि सर मैं आपको इस कैंपेन में पूरा हेल्प करूंगा, अल्कोहलिक एनोनिमस बिग ऑर्गेनाइजेशन में वहां पे आपके सेमिनार अरेंज कराऊंगा, मैंने भी उन्हें प्रॉमिस किया कि आई विल डू इट फॉर फ्री। So, ये है इम्पोर्टेंस, जब एक डॉक्टर के साथ राइट अप्रोच आता है। उन्होंने कल जब मैडम के बारे में अच्छा कुछ कहा, तारीफ की, आई वाज वेरी हैप्पी, मतलब लकी हूं मैं कि इतनी अच्छी टीम है मेरे पास जो इतने दिल से केयर करते हैं, राइट। तो आपको भी शायद महसूस हुआ होगा, व्हेन शी टॉक्स शी इज टॉकिंग फ्रॉम द हार्ट, मतलब वो ऐसे नहीं कि वो कुछ स्पीच बोल रहे हैं, राइट,
इट इज जस्ट वेरी ऑब्वियस कि वो पूरा दिल से बोल रहे हैं. सो ये जो कम्युनिकेशन किया जो उसने मैडम ने, इससे वो पेशेंट में एक ट्रस्ट और फेथ आया. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अगर पेशेंट ट्रस्ट और फेथ से मेडिसिन लेता है तो रिजल्ट अलग रहते हैं. पेशेंट अगर डाउट से और शक से मेडिसिन लेता है तो रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट रहेंगे. डॉक्टर जोशना, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी को? इसमें से कुछ लोग पेशेंट है या कुछ लोगों के रिलेटिव्स है जो पेशेंट है, सो व्हाट मैसेज यू लाइक टू गिव टू देम? किस तरह का इलाज करना चाहिए, किस तरह के डॉक्टर ढूंढना चाहिए, किस तरह मेडिसिन पे डिपेंड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या मेडिसिन के अलावा कुछ और ढूंढने की कोशिश करना चाहिए? व्हाट डू यू से? मैं आपको सबको ये बताना चाहूंगी कि कोई भी डिसीज हो आप ठीक हो सकते हो. ये सबसे पहले तो आपको खुद को लगना चाहिए, मतलब पॉजिटिविटी की शुरुआत होनी चाहिए कि नहीं मैं ठीक नहीं हो सकता, ये बात आपके मन में आनी नहीं चाहिए. हर चीज का जहाँ प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन भी है, तो सॉल्यूशन है, बस आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि मुझे ठीक होना है, और उस तरह से अच्छे डॉक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे. क्योंकि कोई भी डिसीज के दो कारण होते हैं, जीन्स एंड माइंड. ओनली जीन से भी ठीक नहीं कर सकते अपन, और ओनली माइंड को ट्रीट करके भी ठीक नहीं कर सकते. दोनों चीजें जब मिक्स हो जाती तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, जो लकीली हमारे सर करते हैं, और मैं इतनी लकी हूँ कि मैं सर को ज्वाइन हूँ. तो आप हमेशा यही सोचिएगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि आप ठीक हो सकते हो 101%. बस अपने लिए बहुत ही अच्छे डॉक्टर सर्च कीजिए आप, और डॉक्टर पे फेथ कीजिए, ट्रस्ट कीजिए. जो भी डॉक्टर है उस पे ट्रस्ट कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट फेथ करना चाहिए. और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उनसे शेयर करना चाहिए. मतलब अगर कभी कभी कुछ मतलब कम ज्यादा हो जाते तो पेशेंट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते, तो डिस्टर्ब नहीं हो जाए. जैसे उस दिन वो पेशेंट आए था, एक्चुअली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होके आए थे, जबकि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, मतलब तो भी इतना डिस्टर्ब थे. नहीं लेकिन कैसे है ये हमें लग रहा है, मेडिकल नॉलेज पता है. शी इज वर्किंग विद अ क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, सो शी अंडरस्टैंड्स कि क्रिटिकल किसे कहते हैं. मतलब वो ऐसा एक सिर्फ होम्योपैथ के ऊपर सुपरफिशियल से बात नहीं कर रहे मैडम आपसे. व्हेन शी इज टॉकिंग शी इज मेकिंग सेंस. सो ये तो हमें पता है कि उनको बहुत भयानक बीमारी नहीं थी, लेकिन उनके दिमाग में था इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक ही नहीं होना, लाइफ लॉन्ग गोली खानी है, कैंसर भी हो सकता है, राइट? तो इस तरह की डरी हुई स्थिति में थे. वहां से पेशेंट को निकालना अपने आप में टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है, विच शी इनिशिएटेड एंड डिड वेरी परफेक्टली, राइट? सो मैं आप सभी की तरफ से और वो पेशेंट की तरफ से डॉक्टर जोशना को थैंक्स बोलता हूँ. कीप डूइंग सच एन अमेजिंग वर्क, और बहुत सारे लोग आपके इस तरह के अप्रोच के लिए वेट कर रहे हैं. आपको भी कुछ अगर क्वेश्चन पूछना हो तो आई विल आस्क यू, कमेंट कीजिए वहां पर, और कमेंट का जोशना मैडम खुद रिप्लाई करेंगे. मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, मैं रोज रिप्लाई करता हूँ, आज मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, जोशना मैडम रिप्लाई करेंगे, राइट? सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग ऑन फेसबुक दिस लाइव. मैं चाहता था कि ये आपसे शेयर करूं कि 13 मेडिसिन अगर वो हमसे नहीं मिलते तो पता नहीं कितने साल लेते. इतने साल 13 मेडिसिन लेने के बाद उनकी लीवर पे इफेक्ट आता, लीवर खराब होता, किडनी पे इफेक्ट आता, किडनी खराब होती, और 4 कॉम्प्लिकेशन आते, साइकेट्रिस्ट का प्रॉब्लम बढ़ जाता, डिप्रेशन एंग्जाइटी से वो बेड रिडन हो जाते, घर पे रहते, कोई काम नहीं कर सकते थे, जॉब नहीं कर सकते थे. इतनी बुरी अवस्था से एक छोटे से प्यारे से दिल से की हुई अप्रोच ने उनको बचा लिया, एंड जेनेटिक बेस्ड मेडिसिन वो तो अपना काम कर ही रहा है, राइट? तो मैं चाहूंगा आप भी इस तरह का ठीक होने के लिए इलाज कीजिए. कंट्रोल करने के लिए इलाज नहीं करना है, कंट्रोल तो कुछ दिन के लिए होता है, इलाज जिंदगी बदल सकता है. दोनों में फर्क समझिए. कंट्रोल 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 कैन ऑलवेज गेट लॉस्ट. एक बार कंट्रोल छूट गया तो आप संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए टेम्पररी कंट्रोल टेम्पररी होता है, उसके बाद परमानेंटली इलाज करना चाहिए, राइट? तो थैंक यू डॉक्टर जोशना. थैंक यू सर. थैंक यू. बाय बाय. गुड नाइट. गुड नाइट.